गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में रहा करते थे, और आपका नित्य नियम था कि नदी पार करके ये चित्रकूट की जो सीमा है उससे बाहर जा करके शौचादी जाया करते थे। तो बाबा तुलसी का नियम था, रोज एक पात्र में जल ले जाते, नदी पार करते, अपना स्नान आदि करके वापस आते, जो पात्र में जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता था उसको एक पत्थर के ऊपर रोज डाल दिया करते थे। एक दिन जब गोस्वामी जी ने पत्थर पर जल डाला तो उस पत्थर से प्रेत प्रकट हुआ और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज मैं एक प्रेत हूं, लेकिन आप जैसे संत का छुआ हुआ स्पर्श कर किया हुआ जल जब मेरे ऊपर पड़ा तो मेरा भी उद्धार हो गया, कहिए मैं क्या कर सकता हूं, आपकी क्या सेवा करूं, क्या चाहिए आपको, जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। अब भक्त को मांगने के लिए कहोगे तो क्या मांगेगा, एक ही चीज, उसे तो बस भगवान के अलावा कोई दूसरी वस्तु आती नहीं मांगने। कहा ठीक है मुझे राम जी का दर्शन करा दे। भूत ने हंसते हुए बोला अगर प्रभु ये मेरे हाथ में होता तो मैं आज यहां पड़ा होता क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये नहीं लेकिन हाँ इसके आसपास की कोई चीज तो दिला सकता हूं, उनसे नहीं मिला सकता पर उनका एक भक्त है उसका पता बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने प्रसन्न होकर कहा कौन, हनुमान, जैसे सुना भूत भागा, क्यों, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, एकदम भागा। और थोड़ी देर बाद वापस आया, बोले बस नाम मत लेना उनका, नाम लोगे तो फिर हम यहां रुक नहीं सकते। अच्छा तो पता बताइए कहां मिलेंगे, बोले आपके ही पास के गांव में राम कथा हो रही है, आप उस कथा में चले जाइए और उस कथा के बाहर जहां पर लोग अपने जूते चप्पलें उतार के कथा में जाते हैं वहां एक कोढ़ी लेटा होगा जिसका पूरा शरीर खून से लघु से भरा होगा, जाकर के समझ लेना यही वो राम भक्त है जिसकी आपको पहचान करनी। तुलसीदास जी ने सुना और एकदम प्रसन्न हो गए और भागे भागे कथा में पहुंचे, सब लोग कथा में बैठे थे, सब झगड़ रहे थे हम आगे बैठेंगे हम आगे बैठेंगे हम वीआईपी में बैठेंगे, ये सिस्टम पहले तो नहीं था, आजकल कथाओं में भी होने लगा है, वीआईपी अलग होता है वीवीआईपी अलग होता है। ठाकुर जी के लिए तो सब बराबर है, हाँ व्यवस्था करने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे हो पीछे हो इस बात से फर्क नहीं है, लेकिन भगवान की नजरों में हो या नहीं हो इस बात से फर्क पड़ता है। कहते हैं ना कथा में कई तरह के श्रोता आते हैं, एक वो श्रोता आते हैं वो आए तो साथ वाले को पता चल जाता है कि ये आ गया है, एक श्रोता वो होते हैं वो आए तो पूरे हॉल को पता चल जाता है कि ये आ गया, वो आएगा सबको हाय हेलो करते हुए हाँ मैं आ गया, वक्ता भी उसी की तरफ देखने लगता है। एक होता है कि साथ वाले को पता चल जाए ये आया है, एक होता है पूरे हॉल को पता चल जाए आया है, और एक श्रोता वो होता है जो ठाकुर जी को पता चल जाए कि ये आया है, भगवान की नजरों में वो आ जाता है कि अच्छा ये भक्त आज मेरी कथा में पधारा है। सब लोगों को लगी है हम जाएं हम आगे जाएं, पर एक भक्त है पीछे पड़ा है, शरीर से खूब लघु खून बह रहा है और वहां बैठा बैठा कथा सुन रहा है राम 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 राम, राम। गोस्वामी जी भाग कर गए और भाग के चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिए, तुरंत हनुमंत लाल चिल्ला रहे दूर 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 हो हमसे, तुझे पता नहीं ये रोग छुआ का रोग है, इस तू हमको छुएगा
तो ये रोग तुझ में चला जाएगा। तो बाबा तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान जी यही तो चाहते हैं, आप हमें छुओ और आपका राम रूपी जो रोग है वो रोग मुझ में भी आ जाए, मुझे भी ये रोग लग जाए। ये रोग आसानी से थोड़ी लगता है, किसी किसी को लगता है, आपको लगा है, आप कृपा कर दो मुझे भी लग जाए।